देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया, मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ समझाया, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें, और एक डेरिवेशन समझा दी। अब ये सारी चीजें समझाने के बाद अब इसकी एप्लीकेशन की बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन जैसे हमने फर्स्ट लॉ की पढ़ी, तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन। देखो सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा जो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेटर्स जब वो बॉल कैच करते हैं ना, तो बॉल कैच करते हुए अपना हाथ नीचे 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 ले आके करते हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं कैच करते। अगर वो बिल्कुल ऊपर कैच कर लेंगे तो उनके हाथों में चोट लग जाएगी, तो असर कम हो, चोट का असर कम हो, तो वो हाथ धीरे 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 नीचे लेके आते, इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ हैंड। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई क्रिकेटर्स लोअर देयर हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन है कि व्हाई क्रिकेटर्स लोअर देयर हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूँ समझना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन हो गया कि जो क्रिकेटर्स हैं, है ना, यही क्वेश्चन हो गया, एक डायग्राम क्वेश्चन हो गया कि व्हाई क्रिकेटर्स लोअर देयर हैंड, यहाँ पे हाथ क्या कर रहा है, लोअर कर रहा है, लोअर देयर हैंड टू कैच अ बॉल। देखो आराम से समझ सकते हो, तो ये डायग्राम क्वेश्चन होगा या आंसर। देखो यहाँ पे आंसर समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। अभी अभी हमने प्रूव किया कि जो फोर्स है ये एम इंटू ए के बराबर होता है, मतलब एम वी माइनस यू अपॉन टी के बराबर होता है, ये होता है। अब देखो जब वो बॉल यहाँ पे कैच कर रहा है, तो वो यहाँ पे भी तो कैच कर सकता था ना, यहाँ पे भी कैच कर सकता था, बट उसने यहाँ पे ना कैच करके अपने अपनी हाथ को नीचे लेके आया, लोअर किया उसने अपना हाथ। अब देखो जब वो अपना हाथ लोअर कर रहा है, तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है, टाइम बढ़ रहा है ना, यहाँ जल्दी कैच हो सकता था, मतलब यहाँ पे टाइम लेस था, यहाँ पे टाइम की वैल्यू लेस थी क्योंकि जल्दी कैच हो सकता था। हाथ नीचे करने से टाइम बढ़ गया, हाथ नीचे करने से टाइम विल इंक्रीज। अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन, अगर टाइम इंक्रीज हो गया, मैथ लगाओ मैथ लगाओ, मैथ में अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाती है, मतलब फोर्स कम हो गई, यानी हाथों में चोट कम लगेगी। अगर वो यहाँ पे पकड़ेगा ना, तो यहाँ पे उसको चोट लगेगी, हर्ट हो जाएगा, और जो बिल्कुल नीचे हाथ करके करेगा तो चोट कम लगेगी। आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच चलता है, तो जो बिल्कुल बैट्समैन के पास में फील्डिंग करते हैं ना, उनके हाथों में चोट लग जाती है बहुत बार, वो टेप लगा के रखते हैं ज्यादातर। क्यों लगती है चोट? क्योंकि टाइम कम होता है, तो उस टाइम कम है और हाथ नीचे करने से टाइम बढ़ जाता है, तो बस यही आंसर है। तो इसका आंसर ऐसे बनेगा, ये पूरी इक्वेशन लिखी जाएगी, फिर यहां से लिखा जाएगा एज एज शोन इन फॉर्मूला, एज शोन इन फॉर्मूला, बाय लोअरिंग हैंड, बाय लोअरिंग हैंड टाइम इंक्रीजेस, टाइम इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट, बोलो क्या होगा, एज अ रिजल्ट फोर्स डिक्रीजेस ऑन हैंड। क्योंकि टाइम बढ़ गया तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो मैथ्स लगाओ तो ये वाली वैल्यू कम होगा, यानी फोर्स कम हो जाएगी, एज अ रिजल्ट फोर्स डिक्रीजेस डिक्रीजेस एंड हेंस द प्लेयर डोंट गेट हर्ट, एंड हेंस हेंस प्लेयर डोंट गेट हर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब ऐसे ना बहुत सारे केस पॉसिबल हैं जहां पे आप सोच सकते हो, तो ये मैंने एक केस बताया आपको। फिर से देखो क्वेश्चन इस पे ये बनता है डायग्राम को देख के कि जो क्रिकेटर है, व्हाई दे लोअर देयर हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। तो देखो आप ध्यान से देखो, अगर वो यहीं पे पकड़ ले तो टाइम कम हो लगेगा, अगर हाथ नीचे करेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम बढ़ गया तो इक्वेशन देखो, हमारी इक्वेशन है एम वी माइनस यू अपॉन टी, यानी टाइम बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है, यानी फोर्स कम, हाथों में चोट कम लगेगी। तो यही आंसर लिखा है, एज शोन इन द फॉर्मूला, बाय लोअरिंग हैंड टाइम इंक्रीजेस, टाइम बढ़ गया, टाइम इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट फोर्स डिक्रीजेस, क्योंकि टाइम बढ़ गया तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, फोर्स कम हो गई, एंड हेंस प्लेयर डोंट गेट हर्ट, चोट उसको नहीं लगेगी। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, अगर आप
मान लो कच्ची जमीन पे जंप करो, मतलब सैंड वाली जमीन पे, और एक पत्थर वाली जमीन पे जंप करो, किसमें चोट ज्यादा लगेगी? देखो एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। पत्थर हाँ वाले। क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने बोला आप जंप करो, जंप कहाँ करो, दो ऑप्शन दे दी जंप करने की, एक ऑप्शन दे दी सैंड वाली जमीन पे जंप करो और एक ऑप्शन दे दी स्टोन वाली जमीन पे यानी फर्श वाली जमीन पे जंप करो। तो जो सैंड है ना, जब आप सैंड में जंप करोगे तो आपके पैर सैंड के अंदर धंस जाएंगे, मतलब टाइम बढ़ जाएगा, यहाँ पे टाइम बढ़ेगा तो आपको चोट नहीं लगेगी सैंड में, बट जब आप पत्थर पे जंप करोगे तो पत्थर नहीं दबेगा, मतलब टाइम इंक्रीज नहीं होगा और आपको चोट ज्यादा लगेगी। आपने देखा होगा आप ना, जो जो लोग पानी में जंप करते हैं, तो आप देखो बड़ी ऊपर से जाके पानी में जंप करते हैं, तो जब वो पानी में जंप करते हैं तो वो सैंड जैसा ही हो गया ना, यानी वो उसमें घुस जाता है, तो घुसने से टाइम बढ़ गया तो उसको चोट कम लगती है। अब उसको बोलो भाई तू ऊपर से खड़ा होके ना ये फर्श पे जंप कर, मर जाएगा। उतनी ऊपर से खड़ा होके ना फर्श पे जंप करके दिखा, तो क्या होगा, वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि टाइम कम होगा, फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, सिर सुर फूट जाएगा उसका और मर जाएगा। बट अगर वही चीज सैंड में या पानी में की जाए, सैंड ज्यादा होनी चाहिए, या पानी में की जाए मतलब स्विमिंग पूल में, तो आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में जो लोग जंप करते हैं ना, बहुत ऊपर से आते हैं, जंप करते हैं, चोट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? सैंड में या फिर वाटर में मान लो क्यों नहीं लगती जंप मतलब चोट, क्योंकि टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है और वो स्विमिंग करके निकल जाता है। आप वही बोलो जी पत्थर पे कर या फ्लोर पे कर, फ्लोर मतलब पत्थर वाली फ्लोर, तो दोनों में टाइम बढ़ेगा ही नहीं, वो सीधा ही टकराएगा आके, यानी फोर्स बहुत ज्यादा। तो यही चीज यहाँ पे हो रही थी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा पॉसिबल है। और देखो ये बंदा है ना, ये मास 400 kg मास को धक्का लगा रहा है और ये छोटे मास को धक्का लगा रहा है, यहाँ पे इसका दम निकल गया धक्का लगाते लगाते, तो नहीं हो पा रहा क्योंकि जो ये फोर्स लगा रहा है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि इसको मूव कर सके, बट ये छोटा बॉडी है इसको फोर्स लगा के मूव करा देगा। तो अब पढ़ो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट एक्सेलरेशन गेनिंग स्पीड happens when force acts on a mass, जब फोर्स लगेगी, देखो फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, मास मतलब ऑब्जेक्ट, राइडिंग योर बाइसिकल इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस लॉ ऑफ मोशन एट वर्क। आप साइकिल तभी चला पाते हो ना क्योंकि तो आप पैरों से फोर्स लगाते हो और साइकिल मूव हो जाती है। अब साइकिल मान लो बहुत हैवी है ना, तो बहुत मुश्किल है, मान लो ट्रक में साइकिल जैसे अरेंजमेंट करते हैं, अब आप खींचो, खींच ही नहीं पाओगे क्योंकि तो ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है। सो योर लेग मसल पुशिंग ऑन द पैडल्स ऑफ योर बाइसिकल इज अ फोर्स, यानी जो हमने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए, यही सेकेंड लॉ है, ये सेकेंड लॉ है कि आप अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अगर इनर्शिया ज्यादा है तो एक्सेलरेशन नहीं आएगी, इनर्शिया कम है तो आप एक्सेलरेशन ला सकते हो। तो ये सारी किस चीज की एग्जाम्पल्स हैं? हमारी न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये मैंने बहुत सारे चीजें यहाँ पे बता दी रिलेटेड टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो अब आप इसे याद करेंगे बेटा।